ये HIV है, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उन दुष्टों को बीमारी लगती है और सब कह रहे हैं कि ये जो है ना खत्म हो जाना चाहिए। हिंदू हमारी पहचान है, कोई जात नहीं है, ये जान है हमारी, सिर्फ जज्बात नहीं है। इतनी देर में, इतनी रात को फोन आने का मतलब या तो उधार वाले का या जुगाड़ वाले का। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। अयोध्या में खोदा हम निकले, बनारस में खोदा हम निकले, मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकले। शुरू तो करो। लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों क्यों क्यों। मोदी जी गा रहे हैं, केजरीवाल सुन रहे हैं कि लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। ये जो होता है ना वृंदावन में, ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये HIV है, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उन दुष्टों को बीमारी लगती है और सब कह रहे हैं कि ये जो है ना खत्म हो जाना चाहिए। चार पंक्तियां आपके भरोसे कह रहा हूं, मेरा स्वर और आपका शंखनाद कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जवाब जो कहते हैं कि इनके धर्म को मिटा दो और ये 26-26 दल एक गठबंधन बनाकर सब इस बात पर राजी है, सबके मुंह में दही जमा है, कोई नहीं बोल रहा है, गौरव चौहान बोला है और उसमें आपका साथ चाहता हूं। सुन लो, हिंदू हमारी पहचान है, कोई जात नहीं है। हिंदू हमारी पहचान है, कोई जात नहीं है, ये जान है हमारी, सिर्फ जज्बात नहीं है। ये जान है हमारी, सिर्फ जज्बात नहीं है। और सनातन धर्म को यूं खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ये उनके बाप के भी बाप की औकात नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश से हूं और सैफई से हूं जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सैफई से हूं सर, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, बट सिंस दैट टाइम आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज। ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। आई एम ए वेल एजुकेटेड पोएट। सर, लोग कह रहे थे यूपी में काबा, यूपी में काबा। भाई साहब क्या फोन पे बोल, बैठ जाओ, इतनी देर में, इतनी रात को फोन आने का मतलब या तो उधार वाले का या जुगाड़ वाले का। आपको देखकर लगता नहीं कि आप किसी को उधार देते हो, और उम्र देखकर ये नहीं लगता कोई जुगाड़ होगी। तो बैठे रहो, शोर मचा यूपी में काबा। सर, एक टिप्पणी करता हूं, समझदार लोगों का साथ चाहता हूं। हमने सुना था अपने पूर्वजों से, अपने दादा से, दादी से, हमने सुना था, हाँ सुना था कि चरखे से भी क्रांति की स्थापना होती है। हमने अपने जीते जी इन आंखों से देखा है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। वाह भाई, यूपी में काबा, यूपी में काबा। हमने बता दिया यूपी में क्या। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, थोड़ा खुलना। गुंडों के पेट में गुड़ गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में,
अगली पंक्ति राजनीति को समझने वाले कि दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में, आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी, बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी, माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी, गलियों में आवाज लगायो एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो, मेरे बाबा बड़े निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो मेरे बाबा। और जब से बाबा आए हैं सर, हमने बोलने की हिम्मत दिखाई है, कब कौन कब्जा कर गया प्लाट पे, कब किसकी लड़की छेड़ दी गई, कब कौन सा मंदिर तोड़ दे गया, आज हमारे अंदर हिम्मत आई है कुछ बोलने की। और सर ना सुनो 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 डिस्टर्ब कर रहे, पहले पंक्ति में बैठ के कैसे जाओगे पार्लियामेंट में, मैं बहुत तो आपके चक्कर में टिप्पणी भूल गया, बहुत अच्छी आ रही थी, मैं याद करता हूं सर कौन है, बोलने की हिम्मत हमारे अंदर आई है। और सुनिएगा, अब तो यूपी में कुटाई भी हो रही है और खुदाई भी हो रही है। जनवरी में हम भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देख चुके होंगे और वो हमारे सामने खड़ा होगा मंदिर। लेकिन सर 400 साल से बनारस के ज्ञान वापी में हमारे भोले बाबा थे और लोग भाईचारे के नाम पर वजू करते रहे, कुल्ला करते रहे, हाथ धोते रहे और हमारे साथ भाईचारे के नाम पर छल होता गया। आज वहां खुदाई हुई तो कौन निकले, भोले बाबा। लेकिन अभी भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, नहीं अदालत गलत है, वहां तो हम थे, भोले बाबा है ही नहीं, वहां तो हम थे, 400 सालों से हम थे। हमने कहा जाहिलों, अब जिनके अंदर हिम्मत हो वही गौरव चौहान को सुने, क्योंकि ये जवाब ये पंक्तियां केवल मैंने लिखी है, मैंने सुनाई है। मैंने कहा ये जो खुदाई में भगवान निकले हैं इनको तो छोड़ो, तुम खोदो तो कुछ और भी निकलेगा। अयोध्या में खोदा हम निकले, बनारस में खोदा हम निकले, मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकले। शुरू तो करो, और केवल हम और हमारे भगवान नहीं निकलेंगे, क्या निकलेगा सुनना तुम अशोक भैया, क्या निकलेगा, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। ये जो लोग छाती पीट रहे हैं कि वहां भोले बाबा नहीं थे, मैं उनसे ही कह रहा हूं सुनो क्या निकलेगा, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। करवाओ हर कासिम की चार पीढ़ियां पहले कन्हैया लाल बैठा हुआ है। चिंतन की बात है, मनन की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मैं आपके हाथ खोलने में सफल हुआ, मैं बहुत कुछ सुनाता हूं, बहुत कुछ सुनाता आया हूं, लेकिन मुझे एक नेता बहुत पसंद है इस बीच में, अरविंद केजरीवाल। सर जब से वो राजनीति में आए मंत्री जी, तब से मैंने रायता पीना शुरू किया, क्योंकि वो फैलाते बहुत, मतलब दिल्ली में कूड़ा हो गया दोषी कौन, मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया दोषी कौन, मोदी। मोदी हमको ये नहीं करने दे रहे, मोदी हमको वो नहीं करने दे रहे, दिन रात मोदी 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 मोदी। मोदी जी का दिमाग खराब हो गया और मोदी जी ने गुस्से में आकर रात के 12 बजे केजरीवाल को फोन लगाया, उन्होंने फोन उठाया नंबर लगाया। कुछ लोगों को सुबह समझ में आ गया कि ये केजरीवाल के फोन की डायल टोन है। मोदी जी ने फोन लगाया, केजरीवाल ने फोन उठाया, मोदी जी ने गाना गाकर केजरीवाल से कुछ पूछा और केजरीवाल ने जो जवाब दिया सर, बस आज का परमानंद वही है। इस परमानंद से चूक मत जाना। मोदी जी ने फोन लगाया, केजरीवाल ने फोन उठाया, मोदी जी बोले ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले,
क्यों क्यों क्यों। मोदी जी गा रहे हैं, केजरीवाल सुन रहे हैं। किन लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा आगे था लेना कि पिछले घोटालों की जांच पांच की, कितने समझदार लोग हैं, कि पिछले घोटालों की जांच पांच की, नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो तुझे याद। लेकिन मित्रों, यही केजरीवाल जब देश के हमारे देश की सेना सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सबसे पहले छाती कूटकर सबूत मांगने वाले कौन है, ये केजरीवाल साहब। मैंने तो सेना से कहा कि अब की बार जब सर्जिकल स्ट्राइक करो तो इन्हें हेलीकॉप्टर के बोनट से बांध कर ले जाना, ये सीधा प्रसारण वहीं से टंके देखेंगे। कोई सबूत मांगेगा हमारी सेना से, कोई आजम खान हमारी सेना को बलात्कारी कहेगा, कोई कांग्रेस का नेता कश्मीर में हमारे मेजर को सड़क छाप गुंडा कहेगा, मैं बताऊंगा उनको। यहां राजनीतिक लोग बैठे हैं, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस मंच से कहता हूं कि इस देश के किसी दो कौड़ी के नेता में इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मान सके।